कुछ बोलेंगे? हम तो आए हैं मजिस्ट्रेट साहब के साथ में, जो आदेश है उसके अनुसार। तो मतलब ये तो हुई है, ये बातें पता नहीं ये लोग क्यों नहीं कह रहे हैं आपसे, और हम लोग चाहते हैं आए बलपूर्वक खाली कराने के लिए। तो अभी एग्जाम चल रहा है, एक सप्ताह के लिखित कार्रवाई मांगे हैं। तो क्या बात, अभी वो लोग बल का अगर इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग उसका सामना करेंगे। हाँ नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक, अभी मैं मौजूद हूँ अम्बेडकर छात्रावास महेंद्रू में, जहाँ नोटिस दिया गया है सरकार के द्वारा कि इन्हें हॉस्टल खाली कर देना है। ऐसे में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस बल भी मौजूद है, अधिकारी भी मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्या मामला है और वो लोग क्या समय दे रहे हैं। कोई मजिस्ट्रेट या कोई ऑफ भी आए हैं साथ में? आपका शुभ नाम? हम लोगों को बाइट देने का अधिकार नहीं है। अच्छा, बाइट नहीं हम मांग रहे हैं, सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि मतलब अभी आप लोग नोटिस जो इन लोगों को दिया गया उस पर कार्रवाई की जाएगी। आप कुछ बोलेंगे? हम तो आए हैं मजिस्ट्रेट साहब के साथ में, जो आदेश है उसके अनुसार। तो मतलब ये तो बाइट नहीं दें, लेकिन ये तो बताएंगे ना कि कोई आदेश है या कुछ इस तरह का? हम लोग को बाइट देने का पावर नहीं है, बाइट जिला में किया दी। तो हमने बात करनी चाहिए अधिकारी से जो आए हैं प्रशासन की तरफ से, जो कार्रवाई कर रहे हैं, और अब हम उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार किया है, वो कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं। आप लोग को क्या क्या हो रहा है यहाँ? सब ये तो खाली करवाने के लिए आए हुए हैं, आज ही खाली करवाने के लिए। तो उसके लिए बात चल रहा है, क्या समाधान निकलता है। 7 दिन का टाइम वगैरह लेने के लिए बात चल रहा है, 7 दिन एग्ज़ाम वगैरह भी है इसमें। तो आप लोगों की क्या बात हुई? चूँकि हमसे अधिकारी कुछ बोलने वो नहीं बोल रहे हैं, उनका कहना है कि हम नहीं कुछ बोल सकते हैं। हमने कैमरा ऑन करके उनसे बात करने की कोशिश की, आप बताएं कि क्या पता नहीं कि ऑन कैमरा ये क्यों नहीं बोलना चाह रहे हैं, लेकिन इनसे हमारी बातें ये हुई हैं कि 7 दिन तक आप हमें समय दें और 7 दिन के बाद हम आपको समय देते हैं 7 दिन का, उसके बाद आप सैनिटाइज कर लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए, और हॉस्टल जैसा था वैसा हमें लौटा दीजिए। ये बातें हुई हैं, और ये बातें पता नहीं ये लोग क्यों नहीं कह रहे हैं आपसे, और हम लोग चाहते हैं कि ये हम लोग रिटर्न में इनसे लें। तो आप लोगों की इनसे बात हो चुकी, और मतलब इन लोगों ने अपनी तरफ से हामी भर दी है? जी हामी तो भरी है, हामी भरी है, बात हुई है, मगर हमसे ये लोग कुछ कहने से चूक रहे हैं। आप आपका शुभ नाम? मेरा नाम अजय कुमार हुआ। तो क्या बात हुई है यहाँ पर अभी? देखिए, इस पूरा बिहार ऐसी हॉस्टल के बारे में जहाँ तक हमारे माननीय मंत्री जी जो जितना न्यू बिल्डिंग तैयारी किए हैं, बिल्डिंग तो तैयारी कर दिए हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे कामें जो हैं अभी पूर्ण रूप से नहीं हुई है। जैसे फर्नीचर का मामला है, चाहे अभी की जो बात है उस पर बात, अभी इस पर अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। अभी बात हो रही है, लेकिन अभी इस विषय पर पूरा खुल करके बात अभी क्लियर नहीं हो रही है। अभी और लोग मौजूद हैं यहाँ पर, हम उनसे भी जानेंगे। आपका नाम? सोनू कुमार। आप लोगों की बात, आप लोगों को क्या नोटिस दिया गया और क्या कहा जा रहा है प्रशासन की? देखिए, नोटिस आया था 30 तारीख को खाली करना शाम 4 बजे तक, लेकिन हम लोग रहे, फिर आज आए बलपूर्वक खाली कराने के लिए। तभी पवन में बात की, एक मैंने समझौता हो रहा है कि एक सप्ताह हम लोग का टाइम दीजिए, हम लोग व्यवस्था करेंगे तब ना भाई, इसे कहाँ जाएगा? अभी सबका एग्ज़ाम चल रहा है, एक सप्ताह के लिखित कार्रवाई मांगे हैं। तो क्या बात उधर से, क्योंकि हमसे वो लोग बात नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को क्या बताएं? बोले कि एक सप्ताह के अंदर खाली कर दो, जितना मैंने न्यू सेशन के फॉर्म अलाउड करने के लिए है उनको 19 तारीख को सबको अलाउड करेंगे, उसके बाद सब लेकर ना कराएगा फिर। अच्छा, तो हम और भी लोग हैं, सबकी परेशानी वही है कि जो हॉस्टल खाली कराने की बात कही गई है प्रशासन के द्वारा, और प्रशासन आज यहाँ मौजूद भी है, प्रशासन आ चुका है खाली कराने के लिए, और हमने उनसे बात की मगर वो खुलकर नहीं बोलना चाह रहे हैं और कुछ बाइट देने को तैयार नहीं हो रहे हैं। ऐसे में आपका शुभ नाम? संतोष कुमार। क्या आपको नोटिस दिया गया, प्रशासन ने क्या कहा? प्रशासन ने खाली करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया, लेकिन हम लोग खाली हॉस्टल नहीं करेंगे। जैसे मेरा एग्ज़ाम चल रहा है अभी एमए का, पीजी का। तो अभी वो लोग बल का अगर इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग उसका सामना करेंगे। हाँ, क्योंकि पुलिस तो पूरे लग रहा है कि अपने जो पुलिस का जो प्रशासन का ताकत है वो उसके साथ आई है, और आपको नोटिस पहले से दिया गया है। जी, लेकिन हम लोग खाली नहीं करेंगे क्योंकि मेरा एग्ज़ाम चल रहा है अभी, हम लोग को पढ़ना भी है। तो आप लोग की मतलब सरकार से क्या मांग? सरकार से मांग है कि छात्रावास नहीं खाली करें,
और छात्रों का भविष्य बर्बाद नहीं करें, अपने गंदी राजनीतिक ना करें छात्रों के बीच, यही सरकार से कहेंगे। तो ये हमारे साथ जो आप चारों तरफ देख रहे हैं ये छात्र हैं, और एक बार हम फिर बोलेंगे कि प्रशासन की तरफ कैमरा घुमाकर दिखाएं कि जो प्रशासन है वो अपने बल के साथ मौजूद है अंबेडकर छात्रावास में, और छात्रों का कहना है कि उन पर बलपूर्वक खाली कराने के लिए प्रशासन आया है यहाँ। अब छात्रों की सरकार से मांग है कि हमारे हॉस्टल को अभी खाली नहीं कराया जाए, क्योंकि वो लोग अभी जो उनका एग्ज़ाम है, बहुत सारी परीक्षाएं हैं, ऐसे में छात्र अगर हॉस्टल खाली करेंगे तो जाएंगे कहाँ। और जो ख़ास मांग है अभ्यर्थियों की, वो इन छात्रों की, वो ये है कि सरकार उनके जो हॉस्टल को सैनिटाइजेशन की बात कर रही है तो सरकार हटाने की बात कर रही है, मगर सरकार वापस हॉस्टल में कब दाखिल होंगे छात्र इसे लेकर कुछ नहीं बता रही है, ना ही नोटिस में कुछ इस तरह की बातें कही गई हैं। और जो अहम सवाल है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इन छात्रों का, वो ये है कि ये पढ़ना चाह रहे हैं, और जब छात्रावास बंद था, जब स्कूल कॉलेज बंद थे, तब क्यों नहीं छात्रावास को खाली कराया, जब बंद था तो क्यों नहीं सैनिटाइज कराया गया, और अब जब पढ़ाई शुरू हो गई है, जब कॉलेज सरकार ने ही खोल दिए हैं, पढ़ाई को नियमित कर दिया है, तो ऐसे में अब इस तरह का स्टेप उठाना कि सैनिटाइजेशन के नाम पर हॉस्टल खाली कराने की जो बात हो रही है, ये एक अहम मुद्दा है, क्योंकि ये छात्रों के भविष्य का मामला है। छात्र यहाँ जमा हैं, आप देख रहे हैं, और इनका जो भविष्य है वो इस बात पर निर्भर कर रहा है कि अगर ये, क्योंकि यहाँ जो भी छात्र रहते हैं वो उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, ऐसे में अगर उनका हॉस्टल खाली कराया जाता है तो वो बाहर कहाँ रहेंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे और कैसे अपने भविष्य को संवारेंगे, क्योंकि ये जो मामला है वो सिर्फ पटना का मामला नहीं है, ये पूरे बिहार में इस तरह की नोटिस सरकार के द्वारा दी गई है। जो अम्बेडकर जो दलितों का हॉस्टल है उसे खालिद कराने की बात की गई है, और आर्थिक रूप से इनकी स्थिति ऐसी नहीं कि ये कहीं रहकर किराए का रूम लेकर पढ़ाई कर सकें, और अभी सारी परीक्षाओं का समय है। अगर हम बात करें बीपीएससी की, तो दिसंबर में बीपीएससी की परीक्षा होनी है, दरोगा की परीक्षा होनी है, और एसएससी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का मामला है, एसएससी की परीक्षा हो रही है, ऐसे में ये छात्रों के भविष्य का मामला है, और छात्र के भविष्य यानी बिहार का भविष्य, और बिहार का भविष्य यानी देश का भविष्य, ऐसे में सरकार को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, इनकी गुहार को सुनने की ज़रूरत है, और उस पर गौर करना सरकार की जिम्मेदारी है, जिसे सरकार को समझना होगा, और कहीं ना कहीं इनकी परेशानी को नज़रअंदाज किए बिना इनके लिए कोई ना कोई रास्ता निकालना सरकार को ज़रूर ध्यान देना होगा। इस तरह की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।